आज अहले सुबह बाइक सवार अपराधियों ने एक दुकानदार को मारी है गोली। इलाके में मच गया है हड़कंप। घायल स्थिति में दुकानदार का मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि पूरी घटना जो है वह मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के गंगटी चौक के समीप का है, जहां आज अहले सुबह एक बाइक से तीन अपराध कर्मी पहुंचे और दुकानदार से पेट्रोल लेने की बात की। वही पेट्रोल लेने के बाद पैसे के कुछ विवाद के कारण जो है बाइक सवार अपराधियों द्वारा दुकानदार को गोली मार दी गई। वही गोलीबारी की इस घटना में दुकानदार के सीने में एक गोली लगी है, जिसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही सूचना मिलते ही मीनापुर थाना अध्यक्ष संतोष रजक मौके पर पहुंचकर दलबल के साथ मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वही पूरे मामले को लेकर घायल व्यक्ति का भाई जो है वह बताया है कि आज बाइक से तीन अपराधकर्मी उनके दुकान पर पहुंचे थे और पैसे के विवाद में उनके भाई को गोली मार दिया है, जिसके बाद उनके भाई को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पूरे मामले को लेकर जब हमने मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी विद्यासागर जी से फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि बाइक सवार अपराधियों द्वारा पैसे के लेन देन के विवाद में और एक व्यक्ति जो है पान दुकानदार है उसको गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर घायल व्यक्ति का भाई और उसका इलाज कर रहा है डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? पहले दाहिने साइड के हिस्से में गोली लगी, छोटे कुमार नाम का एक पेशेंट है हमारे पास। पेशेंट की स्थिति काफी क्रिटिकल बनी है, उसका इलाज किया जा रहा है। कहां पर गोली लगी? दाहिने साइड में चेस्ट में गोली लगी है। स्थिति काफी गंभीर बनी है। मीनापुर तरफ का बताया जाए। अरे, हम दुकान पर थे और वहाँ पे दो तीन बाइक से आया, एक लड़का को हम पहचान पाए जिसमें जिसका नाम था नीलू कुमार। वो पतले था, काले काले हैं और वो पता इससे पहले भी कितना बार कर चुका है कांड, ठीक है। और हम जस्ट उसके सामने देखे कि क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए, सामने शूट किया और निकल गए। हम जस्ट बगल में खड़े थे। कितना गोली चला? एक गोली चलाया और सीधे गाड़ी बाइक पर बैठा और चला गया। पहले तो कुछ ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इससे पहले पेट्रोल लाने आया था तो हम मतलब मना कर दिए थे, पैसा नहीं दे रहा था, जबरदस्ती मांगा और हम नहीं दिए। तो जबरदस्ती किया फिर भी हम नहीं दिए, उसके बावजूद आज सुबह में ऐसा कर दिया। क्या काम? दुकानदार है। जनरल स्टोर दुकानदार है। कितने बजे घटना है? सुबह 7 बजे का। आप कौन? भाई हमका। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे थे घायल का भाई और क्या कुछ कह रहे हैं घायल का इलाज कर रहे डॉक्टर गौरव। तो आपको बता दें कि आज अहले सुबह की घटना है मीनापुर थाना क्षेत्र के गंगटी चौक के समीप का, जहां एक बाइक से तीन अपराधकर्मी जो है वह एक दुकान पर पहुंचते हैं और दुकानदार से पेट्रोल देने की बात कहते हैं, लेकिन पेट्रोल का दाम अधिक होने के कारण दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती है। इसी बीच अपराधी बाइक सवार अपराधी जो होते हैं और दुकानदार पर गोली चला देते हैं, जिसमें एक गोली जो है दुकानदार को लगता है। छोटू कुमार नामक दुकानदार है जो 24 वर्षीय है, उसको गोली लगती है सीने में, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर एक्टिव मोड में है और पूरे मामले को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।